मंसूरपुर इलाके में त्यागी समाज के दर्जनों गांवों ने एकजुट होकर पुलिस चौकी पर श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर बीजेपी सांसद महेश शर्मा व सपा प्रवक्ता सुनील कुमार के विरोध में कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। त्यागी समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी श्रीकांत के परिवार का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। त्यागी समाज के धरना प्रदर्शन में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और बीजेपी सांसद व विधायकों को गाँव में न घुसने की चेतावनी दी। त्यागी समाज के लोगों ने गांव के मेन रास्ते पर त्यागी गांव में भाजपा के प्रवेश बंद का पोस्टर चस्पा कर दिया, जिस पर साफ लिखा है कि हम सबकी भूल, कमल का फूल, बॉयकॉट बीजेपी। दरअसल त्यागी समाज के दर्जनों गांव के लोगों ने एकजुट होकर राखी पब्लिक स्कूल चौकी पर श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए उत्पीड़न और भाजपा सांसद महेश शर्मा और सपा प्रवक्ता सुनील कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन को बड़ी चेतावनी दी। इस दौरान त्यागी समाज संगठन ने धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए और बीजेपी के सांसद व विधायकों को गांव में न घुसने की चेतावनी दी। त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत त्यागी पर लगाए गए सभी आरोपों को षड्यंत्र बताते हुए मात्र गाली गलौज मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई को गलत बताया, लेकिन त्यागी समाज के लोगों ने गाली गलौज और महिला के साथ अभद्रता के मामले में श्रीकांत पर कार्रवाई करने की भी प्रशासन से मांग की। लेकिन श्रीकांत के परिवार के हो रहे उत्पीड़न को लेकर पुलिस प्रशासन को खुलकर चेतावनी दे डाली कि अगर उनके परिवार को उत्पीड़न होगा तो त्यागी समाज आंदोलन करेगा। वहीं त्यागी समाज ने पुलिस चौकी पर धरना प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी सांसद महेश शर्मा और सपा प्रवक्ता सुनील कुमार पर अभद्रता और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कर पुलिस प्रशासन से कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए तहसीलदार खतौली को एक ज्ञापन सौंपा। इस पूरे प्रकरण में पुलिस और बीजेपी नेताओं में उस समय खलबली देखने को मिली जब बीजेपी के खिलाफ त्यागी समाज के लोगों ने भाजपा के गांव में प्रवेश बंद के बैनर सड़कों पर लगा दिए। इस बैनर में साफ लिखा था, हम सबकी भूल, कमल का फूल, बॉयकॉट बीजेपी। श्रीकांत त्यागी पर गाली गलौज के बाद हुई इतनी बड़ी कार्रवाई से त्यागी समाज बीजेपी सरकार से नाखुश दिखाई दे रहा है। रोड भी जाम करेंगे, थानों में घुस मारेंगे, शासन प्रशासन का इलाज त्यागी समाज करेगा। और एक बात और, अगर ये मुकदमे नहीं होते तो हम बीजेपी के किसी भी सांसद और किसी भी विधायक को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। 2024 में पूरा विरोध करेंगे और आज के बाद अगर कोई सांसद या विधायक गांव में घुस गए तो उसका इलाज हम करेंगे। ये त्यागी समाज की तरफ से घोषणा भाई, अगर बीजेपी बीजेपी मेरा नाम हरिओम त्यागी। त्यागी जी, पोस्टर लगाए गए हैं गांव में, कौन से गांव में लगाए गए हैं और किस तरह के पोस्टर? ये गांव सोहनी दगान में पोस्टर लगे हैं और बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। हम नहीं चाहते कोई बीजेपी लीडर हमारे गांव में। संबंध श्रीकांत त्यागी, अगर उन्होंने गाड़ी दी कार्रवाई करो, जो उस पर भवन की ओर लगाओ जेल में डालना। हम उसका कोई विरोध नहीं। बाकी उसकी तो घर की पांच-पांच महिला पांच-पांच दिन तक पुलिस लियो फ्री भाई, ये तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं हो। बच्चे भूखे रहे दो दिन तक, उसकी मामी उन्होंने 5 दिन तक अपने साथ रखी, कहीं देहरादून, कहीं ऋषिकेश, कहीं मेरठ, क्यों भाई? उसकी क्या गलती थी? यो कैसा कानून है भाई? क्या अगर वह महिला तो वह महिला नहीं, पुलिस उसकी मम्मी से पूछ रही, अगर वह उसका बेटा कहेगा संबोधित कर रही तो पुलिस कह रही के बेटा कह रही, जो कह करके वो कहो, क्या कह कर थी, क्या कहेगी मम्मी, क्या कहेगी अपने बेटे को? ये ठीक बात नहीं। इसका जो त्यागी समाज पूर्ण जोर विरोध करेगा। पोस्टर पर क्या लिखा था? पोस्टर पर लिखा था कि ये त्यागी समाज का गाँव हो और यहाँ बीजेपी नेताओं का आना वर्जित, हम नहीं चाहते। जब तक हम इस कानून, इससे हमें राहत नहीं मिलती, हमारी कोई मदद नहीं करता, तब तक हम नहीं चाहते यहाँ कोई आओ। कोई भाजपा नेता जो गांव में हाँ है तो किस करेगी? हम नहीं चाहते, हम उसका विरोध करेंगे जो भी आओ। अक्षु त्यागी, ये जो एक मामला चल रहा है श्रीकांत त्यागी का, इसमें त्यागी समाज का जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है प्रशासन और बीजेपी द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा,
ये उसके विरोध में पोस्टर लगाया गया कि यहाँ पर किसी भी बीजेपी के विधायक सांसद का बढ़ना प्रतिबंधित है। जो बात की जाए श्रीमान त्यागी की, तो वो खुद भाजपा नेता हैं ये पर... नहीं, भाजपा नेता थे, उसके फोटो भी है, सब कुछ है, लेकिन भाजपा ने तो पल्ला झाड़ लिया। भाजपा की तो सीधी नीति है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास जन समर्थन है, जब तक उसके साथ उसके पास कोई आरोप नहीं है। अगर हम भाजपा को पैसे देकर राजनीति कर रहे तो भाजपा हमारे साथ है। जिस दिन हम पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, उसी दिन वो पल्ला झाड़ कर खड़े हो जाएं। लगातार भाजपा नेताओं का आपके द्वारा यहाँ पर विरोध किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, जब तक श्रीकांत को न्याय नहीं मिलता, जब तक 100% विरोध किया जाएगा। हर गांव में, त्यागी समाज के हर गांव में, एक गांव में नहीं, सब गांव में, पूरे त्यागी समाज का इसका विरोध कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।